तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारे पास लैपटॉप आया है, एचपी का G4 लैपटॉप है और ये लैपटॉप टोटली बंद है, डेड है। तो इस डेड लैपटॉप को हम लोग कैसे रिपेयर करने वाले हैं, इसका तरीका हम लोग जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, कोई भी डेड लैपटॉप आता है तो आपको चार्जर अडेप्टर लेना है, आपको लगाना है। लगाने के बाद उसमें लाइट के लिए देखना है, उसमें लाइट ब्लिंक करता है, ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। लाइट ना ब्लिंक करने का मतलब होता है, हो सकता है इसकी सप्लाई खराब हो, सप्लाई डिसकनेक्ट हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। चलो हम लोग इसको हटाते हैं। इसके बाद खोलेंगे, खोलने के बाद इसको पूरा लैपटॉप ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लैपटॉप खोलने का तरीका देखिए कि कैसे लैपटॉप को असेंबलिंग करी जाता है। चारों तरफ के जितने भी स्क्रू हैं वो सारे स्क्रू को आप एक एक करके ओपन कर लेंगे। ये मेरे पास बंद लैपटॉप आया तो इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सभी का तरीका आपको समझाता हूँ। ओपन कर लिया, इसके अंदर रैम भी नहीं है। हम लोगों ने इसको खोला, इसकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसको ओपन कर लिया, वाईफाई कार्ड खोला, G4 लैपटॉप को कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे खोलेंगे, उसका तरीका क्या है, सब चीज़ों के बारे में आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। नहीं खुल रहा है, उधर से देखते हैं। सबसे पहली बात कीबोर्ड हटाना है अपना, कीबोर्ड अलग कर दिया। कीबोर्ड अलग करने के बाद पैनल खोला, पैनल खोलने के बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ओपनर आते हैं, आप लोग दोस्तों ओपनर जरूर रखेंगे, क्योंकि ओपनर से आपको लैपटॉप खोलने में, एक देखिए स्क्रू लगा है लैपटॉप में, इतना स्क्रू लगा होता है कि कोई ना कोई तो रह ही जाता है। अब वो रहने का मतलब समझ रहे हो ना, वो आपको खोलने में परेशान करेगा। अगर आप ताकत लगा देते हैं तो आपकी लकड़ी हो जाएगी, फिर वो चीज़ टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, आपको बनानी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों हम लोग खोल लेंगे। अब देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहले लैपटॉप दिखा हुआ है, इसका एक कनेक्टर नहीं लगा है। सप्लाई का कनेक्टर नहीं लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहले सप्लाई कनेक्टर लगा देते हैं। लूज हो जाता है, हट जाता है, खुल जाता है। उसके बाद मैंने उसको चार्जिंग लगाया, रैम भी लगा लेते हैं। रैम दीजिए सर।
ये रैम है। अच्छा, रैम में कैसे पहचानेंगे कि DDR2 DDR3? देखो 4 GB लिखा हुआ है, इसमें लिखा PC3। PC3 का मतलब DDR3, PC2 मतलब DDR2, PC4 मतलब DDR4, PC1 DDR1। ऐसे पहचानते हैं कि DDR1 है कि DDR2 है, DDR3 है। अच्छा, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ऐसे जो अलग अलग कैटेगरी की रैम आती हैं वो उसमें कट का भी फर्क होता है। जैसे इसमें कट यहाँ पर है, उसमें कट यहाँ पर होगा, इसमें कट यहाँ पर होगा, DDR4 में कट यहाँ पर होगा। ऐसे कट घटता बढ़ता रहता है जिसके कारण से एक दूसरे के स्लॉट में आप लगा नहीं सकते। अगर 2 GB की रैम है DDR2 और आपके पास 4 GB की रैम है DDR3 तो आप उसमें नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसका कट नहीं मैच करेगा, वो भी DDR2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग रैम को अपने स्लॉट पे लगा देते हैं। रैम को स्लॉट लगाने के बाद ये लैपटॉप काफ़ी मॉइस्चर खाया हुआ है, लगाया चार्जिंग लाइट, अभी कोई ब्लिंक नहीं हुआ। चिमटी दीजिए, एक बार चिमटी से हम लोग इसको शॉर्ट करके देखते हैं, चालू करके देखते हैं। ये लैपटॉप देखिए, हमारा दोस्त लैपटॉप तो ऑन हो गया लेकिन लैपटॉप में अभी हमारा डिस्प्ले नहीं आया। देखेंगे कहीं हमारा डिस्प्ले भी, ये केबल है, बेल्ट कोई लूज तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर से इसको ऑफ करेंगे, इसमें देखेंगे कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कोई कार्बन तो नहीं है, कार्बन मॉइस्चर भरा पड़ा है। रैम को चेंज करके देखेंगे स्लॉट में, चालू हो गया। देखिए इसमें दो दिक्कत कर रही है, ये केबल दिक्कत कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? ये केबल दिक्कत कर रही है, मतलब रैम को जैसे मैंने स्लॉट से चेंज किया हमारा डिस्प्ले आ गया। चलिए डिस्प्ले आ गया। तो इसमें क्या दिक्कत थी दोस्तों? मॉइस्चर की दिक्कत थी। फिर से एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, लगाया डिस्प्ले आ गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके, इसमें क्या दिक्कत थी? मॉइस्चर की दिक्कत थी, रैम खराब थी और केबल हटा हुआ था। पहले कहीं दिखाया होगा तो किसी ने केबल एबल सब कुछ हटा दिया होगा। बोर्ड भी देखो, बोर्ड भी प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, मतलब पहले कहीं दिखाया हुआ है, हमने इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया। लगा देने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इसका पैनल लगाएंगे। पैनल लगाने के बाद इसका ऑन ऑफ स्विच का लगाएंगे। लैपटॉप में तो बहुत ऐसी दिक्कत आती है दोस्तों, जो मॉइस्चर से ही ठीक हो जाती है, कहीं उसका रैम खराब हो जाता है, कहीं रैम लूज हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो भी बहुत दिक्कत आती है।
अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगेगा तो नीचे का टच है, की है, काम नहीं करेगा। हमने लगा दिया इसको, ऑन ऑफ लगा दिया। अब इसमें लगाएंगे कीबोर्ड। ये देखिए, हमने कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड लगा दिया। इसको भी साफ़ कर लेना है, जो भी नमी है, मॉइस्चर है, दिख रहा है, अच्छे से साफ़ कर लीजिए। लैपटॉप में थोड़ा सा सर्विस का लाइन रहता है, तो सर्विस के लाइन में क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखेंगे। कोई भी कस्टमर का अगर लैपटॉप आता है तो उसको अच्छे से सर्विस करके दें, क्योंकि लैपटॉप के अंदर सबसे बड़ा जिसका दुश्मन है इसके अंदर का फ़ैन। ये फ़ैन हवा बाहर फेंकता है, सीपीयू ठंडा होता है, लेकिन ठंडे के साथ साथ बोर्ड को भी ठंडा कर देता है, क्योंकि जितनी धूल मिट्टी डस्ट गर्दा सब खींच लेता है। जैसे खींच लेता है तो खींचने के बाद वो कुछ दिन बाद लैपटॉप को ख़राब करने लगती है। ये देखिए, पत्ता सही नहीं है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसको अच्छे से लगाएंगे। लगा दिया, कनेक्ट हो गया। और ये लैपटॉप हमारा रेडी। अब इसको प्रॉपर फाइनल टेस्टिंग करेंगे। फाइनल टेस्टिंग करने के लिए इसको बंद किया। बंद करने के बाद हमने हार्ड डिस्क को लगाया, क्योंकि इसमें विंडो होगी, सिस्टम ऑन हो जाएगा। आराम से ओपन करें। ओके, विंडो है, लैपटॉप चालू हो गया। विंडो चालू हो गई। विंडो चालू होने बाद देखे, घोस्ट राइडर की फोटो आ गई। ये तो काम कर रहा है, लेकिन इसका कीबोर्ड काम कर रहा है, लेकिन टच, ये वेरी गुड, ये भी काम करने लगा। ओके, ये हमारा लैपटॉप चलने लगा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप को शट डाउन करेंगे। शट डाउन, बंद हो जाइए। पूरा रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब हम लोग हार्ड डिस्क को प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे। हार्ड डिस्क को सेट करने के बाद वाईफाई का कार्ड लगाएंगे। वाईफाई के कार्ड के बाद आप इसको अच्छे से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसको हमने टाइट कर दिया, रैम लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अब इसके जितने भी सारे स्क्रू हैं, छोटे बड़े, सारे स्क्रू लगाएंगे। सबसे पहले जितने बड़े बड़े स्क्रू होते हैं वो साइड में लगते हैं, और छोटे वाले स्क्रू जो होते हैं वो बीच में लगते हैं।
एक बार और फाइनल टेस्टिंग करेंगे। सब कुछ कीबोर्ड वीबोर्ड फर्स्ट क्लास चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं अंदर पूरा प्रॉपर। इसमें रैम ख़राब थी और अंदर बहुत सारा मॉइस्चर था जिसके कारण से डेड हो गया था, और उल्टा सीधा पैकिंग थी, सब पूरा सेट किया, प्रॉपर सेट किया। कीबोर्ड भी ख़राब था, कीबोर्ड भी डाल दिया, बाकी विंडो विंडो तो सारा सब कुछ रेडी है। पहले मैं स्क्रीन से बहुत घटा था। हमारा सिस्टम चालू हो गया, रिजर पार्टीशन है, ओपन किया, आग आइटम डाला हुआ है, बहुत सारी इसमें देखो मूवी डाल रखी है। चलिए हम लोग दोस्तों इसको शट डाउन करते हैं, फिलहाल हमारा लैपटॉप रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने एक डेड लैपटॉप को कैसे रिपेयर किया, उसके अंदर मॉइस्चर की प्रॉब्लम थी उसको कैसे ठीक किया, और उसके अंदर कीबोर्ड कैसे डाला, रैम कैसे डाला, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें सिखाया, आपको समझ में आया होगा, या कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बिल्कुल सभी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है। यहाँ पर हम लोग जितने भी सारे बच्चे लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी बच्चा सीखने के लिए आता है तो ये बात 100% की श्योरिटी वो सीख करके ही जाता है। 45 दिन का समय लगता है, 45 दिन में आप सीख जाएंगे, फुल डे पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लगता है तब भी समय दिया जाता है और आपको पूरा सिखा करके ही भेजा जाता है। अगर इसी लेवल की अगर आपको पूरी ट्रेनिंग लेना है, जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, इसको रिपेयर कैसे किया जाएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, इसकी डिटेल में जाएं, इसकी और भी बहुत सारी वीडियो देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।